Gmorro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاهيون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں, اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں, اپنے دست سوال کو
किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें अपनी कमर को, हालत रुकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें, उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हमदो सना के बाद अरब अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद और सलाम हों उस हस्ती तसम मुकद्दस पर के जिनका नाम नामी और इसम ग्रामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसाबी वबारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम कायनात अलैहि सलातो तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहि सलातो तस्लीम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गुनागों किस्म की सिफात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था, और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी ताईद, अपनी नुसरत और अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये अर्श रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबियाई वल मुरसलीन हज़रत खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अथर पे नाज़िल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई अहम उनवान के हवाले से मैं आपकी तवज्जुहात को कुरान सुन्नत की रोशनी में उन अहम अमूर की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ जिनके हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने किताब हमीद के अंदर इस मज़मून को बड़ी शरह बस के साथ बयान किया है। हज़रात ग्रामी कदर आपके इलम में यह बात मौजूद है कि जब भी कौमी या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई ऐसा मसला खड़ा होता है जिसमें उम्मत को रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो अपने महदूद और नाकस इल्म को मैं आप हजरात के सामने तजज़िये के साथ और किताब व सुन्नत की जो अखज़ करदा मालूमात के साथ आप हजरात के गोश गुज़ार करने की कोशिश करता हूँ। हज़रात ग्रामी कदर हालिया अय्याम के अंदर अर्ज़ फ़लस्तीन, मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम, अलकुदस मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के गिर्दो नवा में जिस किस्म के जुल्म का, बरबरीत का, इंतहा पसंदी का, दहशतगर्दी का, सफाकियत का, कत्ल वारदगरी का मुजाहरा किया गया, यकीनन इसके ऊपर दुनिया इस्लाम के अंदर गम की, गुस्से की, तशवीश की और इस्तिराब की एक लहर मौजूद है। हर शख्स ये बात चाहता है कि अलकुदस के इलाके को पंजा यहूद से बागदार करवा लिया जाए। हर शख्स ये बात चाहता है कि यहूद का वह जुल्म जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जारी और सारी है, इस जुल्म के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के लिए अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अपने किरदार को अदा किया जाए। उम्मत के जज्बात अपनी जगह पर हैं लेकिन मुसलमान हुक्मरान सही मानों में उम्मत के जज्बात की तर्जमानी करने की पोजीशन में नहीं हैं। उम्मत किसी और मुकाम पर खड़ी है और हमारे हुक्मरान किसी और मुकाम पर खड़े हैं। हज़रात ग्रामी कदर कौमी रियासतों के क़याम के बाद उम्मत के अंदर एक ऐसा फितना पैदा हो चुका है कि हम अपने कौमी मफादात को उम्मत के मफादात के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह देते हैं। चुनाचे जब आप कश्मीर के मसले को देखते हैं तो उम्मत इस मसले को पाको हिंद के मसले के तनाजुर में देखती है। जब फ़लस्तीन के मसले के ऊपर गौर किया जाता है तो इसको अरबों के एक मसले के तौर पर डील कर दिया जाता है। बर्मा के मसले को बुद्ध मदहब के पैरोकारों के साथ कन्फ्रंटेशन की हैसियत से लिया जाता है, हालांकि बर्मा के अंदर मरने वाला फ़कत बर्मी नहीं बल्कि मुसलमान है। कश्मीर के अंदर ज़िबा होने वाला फ़कत फ़लस्तीनी नहीं बल्कि मुसलमान, कश्मीरी नहीं बल्कि मुसलमान है। इसी तरह अर्ज़ फ़लस्तीन के अंदर ज़िबा होने वाला फ़लस्तीनी फ़कत फ़लस्तीनी नहीं बल्कि मुसलमान है। वो जज्बा ए क़ुव्वत का जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह हुजरात में फ़रमा दिया था इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस के अंदर भाई भाई हैं। और अख़ुव्वत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हज़रात ग्रामी कदर व जज्बा अख़ुव्वत आज उम्मत के अंदर जिस हद तक होना चाहिए उसका उशर अशीर भी नज़र नहीं आता। हम अपने मुल्क के अंदर इस बात को बासानी देख सकते हैं कि एक वक़्त था
जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए हमारे अड्डों को तलब किया गया तो उस वक्त के हाकिम ने अमेरिका के सामने ये कह के अपने अड्डों को हवाले कर दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना ज़रूरी है। हालांकि मजलूम अफगानी भी तो मुसलमान ही थे। हजरात ग्रामी कदर इस किस्म की बेहिसी ने, इस किस्म की बेहमियती ने, खुदगर्जी ने आज हमें इस सतह के ऊपर खड़ा कर दिया है कि वो यहूद के जिनकी फ़ौज की कुल तादाद 2 लाख भी नहीं है, उम्मत की फ़ौजों की कुल तादाद जो कि 50 लाख से भी जायद है उसके मुकाबले के ऊपर उम्मत के मुकाबले में दंदना रहे हैं, उम्मत को धमकियां लगा रहे हैं, फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल रहे हैं, हमारी माओं बहनों बेटियों के दुपट्टों को उतार रहे हैं, हमारे बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के सीनों में संगीनों को उतार रहे हैं, हमारे बूढ़ों की दाढ़ियों को लहू के अंदर तरबतर कर रहे हैं। हजरात ग्रामी कदर ना शाह फैसल मरहूम जैसा कोई कायद और लीडर नज़र आता है और ना ही सलाहुद्दीन का जज्बा उनका जाहो जलाल नज़र आता है, ना ही हजरत फारूक आजम का रोब और दबदबा जो है उसकी झलक आज मुसलमान उम्मत में नज़र आती है। हजरात ग्रामी कदर एक तरफ तो मुसलमान उम्मत की तकसीम का हाल ये है और दूसरी तरफ यूरोप जो है वो ओतान की तकसीम को इस अंदाज के अंदर कवर कर रहा है कि पूरे यूरोप ने अपना वीज़ा एक कर लिया है, अपनी करेंसी एक कर ली है। आप यूरोप के किसी एक मुल्क का अगर वीज़ा हासिल करने के बाद पूरे यूरोप में दाखिल होना चाहते हैं आपको कोई रोक और टोक नहीं है। शेंजन ममालिक ने अहले इस्लाम को दुबाने के लिए और अपने इक्तसादियात का तहफ़ करने के लिए इस अंदाज में अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया है कि रंगों की तकसीम, नस्ल की तकसीम, ज़ुबान की तकसीम उसको पशे पुश डाल कर अपने दिफा के लिए अपनी बाउंड्रियों को इस अंदाज में वसी कर लिया है कि पूरा यूरोप अमली तौर के ऊपर एक मुल्क और एक कौम की हसीयत से मंजर आम के ऊपर आ रहा है और उसके मद्दे मुकाबल जिनका परवरदिगार एक है, जिनका रसूल रहनुमा एक है, जिनका किबला जिनका काबा एक है, वो लोग आज तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं। हम पाकिस्तानी कौम के ऊपर भी अगर गौर कर लें, कहीं बरादरियों की तकसीम है, कहीं पार्टियों की तकसीम है, कहीं शहरों की तकसीम है, कहीं ज़ुबानों की तकसीम है। हालांकि हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क नसब पे इन्हिसार और कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। हजरात ग्रामी कदर, लेकिन आज हमारी जमीयत जो है वो मजहब के साथ मुस्तहकम नज़र नहीं आती। हम तो सन 71 के अंदर इस बड़े सदमे से दो चार हो चुके हैं कि हमने अपने एक बाजू को रंग नस्ल और कौम की बुनियाद के ऊपर अपने आप से कटवा कर परे फेंक दिया और इंदिरा गांधी जैसी औरत को यह बात कहने का मौका दिया कि मैंने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल के अंदर गर्क कर दिया है। हजरात ग्रामी कदर, उम्मत का जो सियासी पसमानदगी है, उम्मत का जो हलफशार है, इसका क्या हल है? इसका हल हकीकत के अंदर अपने असल की तरफ पलटना, किताब और सुन्नत की तरफ मराजियत करना और अपने दुश्मनों को सही मानों में पहचानना है। हजरात ग्रामी कदर, यहूद के हवाले से आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई मरतबा इस किस्म की बहूस का आगाज़ हो जाता है कि यहूद के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करने के अंदर क्या हर्ज है? उनके साथ सफारती ताल्लुकात को, इक्तसादी ताल्लुकात को, हारजा पॉलिसी को उनके साथ हम आहंग करने में आहर कर क्या हर्ज है? इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की तावीलात को भी पेश किया जाता है, इस्तदलाल को भी पेश किया जाता है, अदिल्ला दलाइल को भी पेश किया जाता है। हज़रात ग्रामी कदर, जो मेरे रब की बात है वो मेरे रब की बात है। वमन नस्तकु मिनल्लाहि कीला वमन नस्तकु मिनल्लाहि हदीसा, परवरदिगार आलम से सच्ची बात किसी की भी नहीं हो सकती। जिसको रब मेरा दुश्मन करार दे वो मेरा दुश्मन है और जिसको रब मेरा सज्जन करार दे वो मेरा सज्जन है। जिसको परवरदिगार आलम मेरे उदूब में शुमार करे वो मेरा उदूब है और जिसको परवरदिगार आलम मेरा साथी करार दे मेरा साथी है। हज़रात ग्रामी कदर, परवरदिगार आलम ने अहले ईमान को बाहम मोहब्बत करने का हुक्म दिया और यहूद व नसारा और मुशरिकीन के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहनुमाई को वाज़े फरमा दिया और हसूसन यहूद और मुशरिकों के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को भी वाज़े फरमा दिया कि तुम्हारे अंदर शदीद तरीन तुमसे दुश्मनी रखने वाले लोग या यहूद में नज़र आएंगे
या मुशरिकों के अंदर नजर आएंगे। और अल्लाह ने समर का भी ऐलान फरमा दिया, वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और यहूद नसारा तुमसे कभी भी राजी नहीं हो सकते यहां तक कि तुम उनकी मिल्लत की पैरवी करना शुरू नहीं कर देते। हजरात गिरामी कदर, यहूद जो हैं वो आधे झुकाव पर राजी नहीं, वो आधे समझौते पर राजी नहीं। नसारा जो हैं वो आधे कंप्रोमाइज पर राजी नहीं, वो ये बात चाहते हैं हुरमत रसूलुल्लाह का मसला हो या दिफाए शायरिल्लाह का मसला हो, उसके ऊपर उम्मत को अपने स्टांस को बदल लेना चाहिए और उम्मत को उम्मत की हैसियत की बजाय मुकम्मल तौर के ऊपर नेशन स्टेट का जो तसव्वुर है उसके अंदर अपने आप को ढाल लेना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, जब मैं यहूद के बारे में मुतालिया करता हूँ, किताबुल्लाह पुकार पुकार के मुझे बतलाती है यहूद से बच के रहना, यहूद से बच के रहना, यहूद से बच के रहना। अल्लाह तबारक व ताला क्यों बच के रहना? कहा इन जालिमों ने मेरे बारे में जुबान दराजियाँ की हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपकी शान जलालत के बारे में, आपकी शान किबरियाई के बारे में, आपकी शान अकदस के बारे में, अल्लाह जल्लाहू जल्ला जलालहू के बारे में, अल्लाह सुबहानहू व ताला के बारे में, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में, हालिक अर्ज़ो समा के बारे में, मालिकुल मुल्क के बारे में, अव्वल व आखिर के बारे में, कुद्दूस व सलाम के बारे में, ये क्या बकवास याद करते रहे? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं इन्होंने मेरे बारे में कहा, कालत यहूद यदुल्लाही मघलूला, कहने लगे अल्लाह तबारक व ताला के हाथ तंग हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं गुल्लत अईधीहिम वलुइनु बिमा कालू बल यदाहू मबसूततान युनफिकु कैफा यशा, इन्होंने कहा अल्लाह के हाथ तंग हैं, इनके हाथ अपने तंग हैं, ये तबाहो बर्बाद हो जाए। वलुइनु बिमा कालू, और इनके ऊपर लानत हो इनकी बकवासियात की वजह से। बल यदाहू मबसूततान युनफिकु कैफा यशा, बल्कि अल्लाह के दो हाथ हैं, खुले हुए हैं, वो जैसे चाहता है अपने बंदों के ऊपर अपने माल को हर्ष करता है। का ये यहूदी हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के बारे में बेटों का तसव्वुर पेश किया और ये बात कही, कालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व कालत नसार अलमसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका कौलहुम बिअफवाहिहिम युज़ाहिऊन कौल अल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्ल कातलहुमुल्लाहु अन्ना युफकून, और यहूदी कहने लगे उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानियों ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये बातें हैं जो उन्होंने खुद गढ़ी हैं और अपने से पहले काफिरों की पैरवी करते हुए उन्होंने ये गलत गुफ्तगू की है। कातलहुमुल्लाहु अन्ना युफकून, अल्लाह तबारक व ताला की मार हो इनके झूठ के सबब जो अल्लाह तबारक व ताला की जात पे तोहमत तराजी करते हैं। हजरत गिरामी कदर, फकत हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला का बेटा नहीं बतलाया बल्कि अपनी कौमी हैसियत के ऊपर इतना फख्र है, इतना गुरूर है कि पूरी कायनात के मुकाबले के ऊपर फकत अपने आप को चुनीदा, अपने आप को बरगजीदा, अपने आप को अल्लाह के बेटे, अपने आप को अल्लाह के महबूब कहने वाला ये गिरोह जो मुसलमानों को और अपने अलावा जितनी कायनात के अंदर मजाहिब आबाद हैं उनकी हा किस किस्म के भी आमाल हों उनको नफरत की निगाह से देखते हैं। अहले इस्लाम के बारे में इनका जहन अटल और वाजे है कि हम जहन्नमी हैं और अपने बारे में उनका ये जहन है हम चाहे अमल करें ना करें नहनु अबनाउल्लाहि वाहि बाउहू, हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अगर हमें आग छुएगी भी तो चंद दिन के लिए छुएगी। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए जन्नतों को तैयार कर रखा है। हजरात गिरामी कदर, ये इस्लाम एक कायनात का वाहिद आलमगीर मजहब है जो रंग को नहीं देखता, जो नस्ल को नहीं देखता, जो इलाके को नहीं देखता, जो हसब को नहीं देखता, जो नसब को नहीं देखता, जो कुंबे को नहीं देखता, जो कबीले को नहीं देखता। जिसने मदारे निजात अगर बतलाया है तो ईमानो अमल को बतलाया है। हजरात गिरामी कदर, हबशा से कोई उठे ईमानो अमल में तरक्की करे वो बिलाल हबशी बन जाता है, फारस से कोई उठे ईमानो अमल के अंदर तरक्की करे वो सुलेमान अल फारसी बन जाता है, कोई हिजाजी उठे अबू बकर उमर बन जाता है, कोई अंसारी उठे सादो साद इब्ने उबैदा और सैद इब्ने हुज़ैर अल शहली बन जाता है। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिदमत करने वाला बुखारा से उठे तो इमाम बुखारी बन जाता है, निशापुर से उठे तो इमाम मुस्लिम बन जाता है। हजरत गिरामी कदर उंदलस से उठे तो इब्ने हज़म अल उंदलसी बन जाता है। हजरत गिरामी कदर साउथ अफ्रीका से उठे तो अहमद दीदात बन जाता है, सियालकोट से उठे तो अल्लामा ज़हीर बन जाता है, हिंद से उठे ज़ाकिर नाइक बन जाता है। हजरत गिरामी कदर, ईमान अमल के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हैं। यहूद ने तासुब की बात की है, अदावत की
की बात की है, इनाद की बात की है, कौम परस्ती की बात की है, नस्ल परस्ती की बात की है, और फला का मदार जो है वो ईमान व अमल को करार देने की बजाय नस्ल को करार दिया, कबीले को करार दिया, और अपने अलावा हर कबीले के साथ अदावत का इजहार किया, दुश्मनी का इजहार किया। हजरत ग्रामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल हैं, उनसे कबल जितने भी रसूलुल्लाह कायनात में आते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तहत आले इसहाक में आते रहे। यहूद का ये गुमान था कि नबी आखिरुज़्ज़मा जो हैं वो भी आले इसहाक में से आएंगे। हजरत एक हजरत ग्रामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने आले इस्माइल के ऊपर अपने फजल असीम को करने का इरादा फरमा लिया। सैयदा हाजरा की आहों सिसकियों ने और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की शुबाना रोज काविशों ने कायनात के अंदर एक नया रंग और एक नया जलवा दिखलाने के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत को आवाज दी। उसकी हिकमत बालिगा ने इस अमर का फैसला फरमा लिया कि आखिरी रसूल आले इसहाक में से नहीं आएगा, बल्कि वादिये गैर ज़रई के अंदर अपने बेटे के हमरा आबाद होने वाली हाजरा के फरसंदों में से अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर ताजे इमामत को रख दिया, ताजे नबूवत को रख दिया। हजरत ग्रामी कदर ताजे नबूवत को रखने के बाद बजाय इसके कि ये लोग हजरत रसूलुल्लाह की निशानियों को देख कर, आपके अंदाज़ो अतवार को देख कर, आपके जाह जलाल को देख कर, आपके हुस्न जमाल को देख कर, आपकी सूरत और सीरत को देख कर, आपकी ज़ात कदस के ऊपर ईमान ले आते, ये हजरत जिब्रील अमीन के साथ दुश्मनी के ऊपर आमादा तैयार हो गए और कहने लगे जिब्रील ने पैगाम इलाही को लाने के हवाले से खयानत की है। पैगाम तो आले इसहाक के किसी फरजंद पे आना था, लेकिन जिब्रील जो है वो पैगाम को हजरत रसूलुल्लाह के कल्बे अथहर के ऊपर लेके आया है। परवरदिगार आलम ने यहूद के इस फेले शनि और इस कोले शनि की मजम्मत करते हुए इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल मन काना दुवल जिब्रीला फइन्नहु नज़लहु अला कल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिकन लिमा बैन यदैहि वहुदम वबुशरा लिलमुमिनीन। हर सीना नशेमन नहीं जिब्रील अमीन का, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह को पता होता है अल्लाह ने अपना रसूल किसको बनाना है। अल्लाह ने यतीम मक्का के सर के ऊपर ताजे नबूवत और रिसालत को रखने का इरादा फरमा दिया। फइन्नहु नज़लहु अला कल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिकन लिमा बैन यदैहि वहुदम वबुशरा लिलमुमिनीन। जिब्रील अमीन अपनी मर्जी से किसी के सीने के ऊपर वही को लेके नहीं आता, बल्कि जिब्रील अगर वही को लेके आया है तो परवरदिगार आलम के हुक्म से लेके आया। और इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, मन काना दुवल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह दुवल लिल काफिरीन। और जिब्रील से अदावत का इजहार करने वालों, मीकाईल से अदावत का इजहार करने वालों, फरिश्तों के बारे में हर्जा सराइयां करने वालों, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह तबारक व ताला हर उस शख्स का दुश्मन है जो अल्लाह तबारक व ताला के कलाम को नहीं मानता, उसके अहकामात को नहीं मानता, उसके फैसलों को नहीं मानता, उसके डिसीजन को नहीं मानता, कजाओ कदर को नहीं मानता, मशीयत इलाही को नहीं मानता, हुक्म इलाही को नहीं मानता, अहकाम इलाही को नहीं मानता। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके लिए जो था लानतों को और इनके लिए अपनी अदावत को और दुश्मनी को कायनात के लोगों के सामने वादे फरमा दिया और इस बात को भी लोगों के सामने रख दिया कि यहूद आज हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत के अंदर हर किस्म की हदों को अबूर कर रहे हैं। कभी कहीं से उठता है कोई यहूद का बेटा, कहीं कहीं से उठता है कोई यहूद का जो है उनके कोई कौम का कोई हर्जा सराई करने वाला, हजरत रसूलुल्लाह की शान अकदस के अंदर गुस्ताहियां करने वाले ये यहूदी जो थे, अल्लाह तबारक व तआला के नबी मेहरबा हजरत रसूलुल्लाह के हुक्म के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। हजरत ग्रामी कदर काब इब्ने अशरफ को उसकी हर्जा सराई की वजह से मोहम्मद इब्ने मसलमा ने उसको टुकड़े के अंदर तकसीम कर दिया और हजरत ग्रामी कदर अबू राफे यहूदी वो हजरत रसूलुल्लाह की शान अकदस के अंदर बकवासियात किया करता था। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने अतीक को एक दस्ते के साथ उसके इहतसाब के लिए रवाना किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने उसके कले के अंदर दाखिल होने के बाद अंधेरे के अंदर उसके ऊपर वार किया। वार कामयाब करने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक वापस पलटे, अंदाजे की गलती की वजह से सीढ़ियों को फलांगते हुए जमीन के ऊपर गिरे। हजरत ग्रामी कदर पंडली मुबारक जो थी उसकी हड्डी टूट गई। बारगाहे रिसालत माब में हाजिर हुए हजरत रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पंडली मुबारक के ऊपर अपने दस्ते अकदस को रखा।
देखा, हड्डी जुड़ गई और यूं महसूस हुआ कभी हड्डी के अंदर कोई हम आया ही नहीं था। हजरत इकरामी कदर वो यहूद जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह की शान अकदस के अंदर गुस्ताहियां ही नहीं की, बल्कि हजूर अकदस अलैहि सलातो वसलाम की जात अकदस को जादू का निशाना बनाया, जादू के वार भी हजरत रसूल अकदस की जात अकदस के ऊपर करने की नापाक जसारत की। ये अलग बात है कि परवरदिगार आलम की हिफाजत खास की वजह से नबी मेहरबान अल्लाह तबारक व तआला यहूद के इस वार से भी महफूज रहे। हजरत ग्रामी कदर परवरदिगार आलम ने अपने नबी की नुसरत के लिए आसमां से सूरह फलक का नजूल फरमा दिया, आसमां से सूरह नास का नजूल फरमा दिया। फलक और नास को जब पढ़ पढ़कर यहूदियों की लगाई हुई गिरहों पे फूंका गया, जादू का वार टूट के बिखर गया और हजरत रसूलुल्लाह के उम्मतियों को इस बात को समझाया गया, आज भी तुम्हारे ऊपर कोई जादू के वार को लेके आए, कोई टूने को लेके आए, कोई सरकारी के वार को लेके आए, फलक और नास को पढ़ो। जिस तरह हजरत रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व ताला ने उनके मकरो दजल से महफूज व मामून फरमा लिया था, अल्लाह तुम्हें भी इनके मक्कारी और दज्जाली से महफूज कर लेगा। हजरत ग्रामी कदर ये हजरत रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें करने वाले और साजिशों के तानों बानों को बुनने वाले, फिर मुकामे हैबर के ऊपर इनके साथ यादगार मुकाबला हुआ, जिस मुकाबले के अंदर अलमे फता को सैयदना अली अल मुर्तदा के हाथ के अंदर थमाया गया। सैयदना अली अल मुर्तदा आशूबे चश्म के मस के अंदर मुब्तला थे। हुजूर अकदस ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआबे दहन को हजरत अली अल मुर्तदा की चश्मे मुबारक के ऊपर लगाया। सैयदना अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की चश्मे मुबारक जो थी उसके ऊपर हर किस्म के आसार जाते रहे। हजरत ग्रामी कदर हैबर के किले का चौबदार मरहब अपने आप को बड़ा ही पहलवान समझता था, अपने आप को बड़ा ही शुजा और बड़ा ही दलेर समझता था, लेकिन हजरत ग्रामी कदर मरहब जिस वक्त सैयदना हैदर कर्रार के मुकाबले के आया उसको ये बात समझ में आई तलवार की काट किस चीज का नाम है और माहिरे तलवार जंज होता है उसका अंदाज़ो तलवार क्या होता है। सैयदना हैदर करार ने मरहब को पछाड़कर हैबर के किले को फतह करके इस बात को साबित कर दिया कि जो अल्लाह तबारक व ताला का ताबेदार है वो अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर गालिब आके रहेगा। हजरत ग्रामी कदर यहूद की एक तारीख है, अल्लाह तबारक व ताला की ना शुक्रियों के हवाले से इन जालिमों ने अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की ना शुक्री की थी, इनके पर अल्लाह तबारक व ताला ने बादलों को साया फगन कर दिया, इनके लिए आसमान से मनो सलवा का नजूल फरमा दिया। हजरत ग्रामी कदर धूप से बादल इनकी हिफाजत किया करते थे और आसमान से इनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने मनो सलवा का नजूल फरमा दिया और इनके लिए पानी पीने की जरूरत इस अंदाज में पूरा फरमा दिया। वकुल नसरिबी असाकल हजर, परवरदिगार आलम ने सैयदना मूसा को इस बात का हुक्म दिया पत्थर के ऊपर अपने असा को मारे। फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, पत्थर में से अल्लाह तबारक व ताला ने 12 चश्मों का रवा फरमा दिया। हजरत ग्रामी कदर आसमान से उतरने वाले रिस्क को और पत्थर से निकलने वाले चश्मों को देखने के बावजूद भी ये परवरदिगार आलम की नशुकरी के परमादा तैयार रहे और ये बात कहने लगे लन नस्बिर अला तामिम वाहिदिन फादू लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज मिम बकलीहा व किसाईहा व फूमीहा व आदसीहा व बसलीहा। कहा हमें जमीन की तरकारियों की जरूरत है, जमीन की दालों की जरूरत है, जमीन के गंडों की जरूरत है, मसूर की दाल की जरूरत है, हजरत ग्रामी कदर ककड़ी की जरूरत है। अल्लाह तबारक व ताला के भेजे हुए रसूल सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने समर का ऐलान फरमा दिया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, अल्लाह तुम्हें आला की तरफ बुलाता है तो मदना की तरफ दौड़ते हो। और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यहूद के अंदाज़ व अतवार से इस हवाले से आगाह कर दिया कि यहूद वो लोग हैं जो कायनात के जलील तरीन लोग हैं। अल्लाह ने हमें इस बात का पता बतला दिया, ये अल्लाह के गजब को लेकर लौटे, ये अल्लाह की लानतों को लेकर लौटे। अल्लाह इसकी वजह क्या है, कहा ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बि ग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बि अन्नहुम कानू यकफुरून बि आयातिल्लाहि व यक्तुलून नबीयीन बिगैरिल हक व यक्तुलून अल्लज़ीना यामुरून बिल क़िस्ति मिनन नास। इनके पर अल्लाह तबारक व तआला का ग़ज़ब इसलिए उतरा, अल्लाह की तरफ से मस्कनत की और ज़िल्लत की मार उनके पर इसलिए हुई और ये अल्लाह के ग़ज़ब को इसलिए लेके लौटे। ज़ालिका बि अन्नहुम कानू यकफुरून बि आयातिल्लाहि
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اس لیے کہ یہ آیات اللہ کو جھٹلانے والے تھے, اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے والے تھے, اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضوں کو انجام دینے والوں کو شہید کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو ذلت کی علامت بنا دیا, ان کو مسکنت کی علامت بنا دیا. حضرات گرامی قدر اللہ نے پہلے ان کے اوپر جو تھا کتاب کا, ان کے بعد حکمت کا, اس کے بعد نبوت کو ان کی نسل کے اندر حاصل رکھا, لیکن جب اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے اللہ نے قیامت کے دیواروں تک کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا. حضرات گرامی قدر ابھی وہ وقت قریب ہے جس وقت غرقت کے درخت کے علاوہ کائنات کا ہر درخت جو ہے مسلمان کو پکار کے یہ بات کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو پکڑو, اس کو مارو. حضرات گرامی قدر اگر یہود کے خلاف آج مسلمان امت حقیقت کے اندر متحد ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے القدس کا علاقہ پنجا یہود کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے اور یہود کو نشان عبرت بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے قوم پرستی کی ضرورت نہیں, اس کے لیے نسل پرستی کی ضرورت نہیں, اس کے لیے ضرورت ہے حقیقی معنوں میں مدینہ کی ریاست کو کائنات کے اندر جو ہے اس کو منظر عام کے پر لانے کی ضرورت ہے. ایک مدینہ کی ریاست وہ ہے کہ جہاں پر حکمران جماعت کی ممبر پارلیمان یہود کے حق میں دلائل دیتی ہے, اور ایک مدینہ کی ریاست وہ ہے جہاں سے مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے یہودیوں کو بے دخل کر دیا. اور حضرات گرامی قدر جو یہودیوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار کیا ہے اس کی حد بندیوں کے اندر حیبر تک کا علاقہ شامل ہے. حضرات گرامی قدر یہود ابھی حضرت رسول اللہ کی تلوار کو نہیں بھولے, یہود ابھی تک حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کو نہیں بھولے, یہود ابھی تک مرحب کے قتل کو نہیں بھولے, یہود ابھی تک جو ہے کعب ابن اشرف کی موت کو نہیں بھولے, یہود ابھی تک ابو رافع یہودی کے قتل کو نہیں بھولے. آج یہود اگر فلسطینیوں کے پر ظلم کے پہاڑ کو توڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کی نسلی عصبیت اور اسلام سے واضح نفرت موجود ہے. حضرات گرامی قدر اس موقع کے پر حقیقت کے اندر تو یہود کو ہمارے حکمرانوں کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود. لیکن حضرات گرامی قدر محمد کا لشکر بے غیرتوں کا لشکر نہیں ہوتا, محمد علیہ السلام کا لشکر بے حیاؤں کا لشکر نہیں ہوتا, محمد کا لشکر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں کا لشکر نہیں ہوتا, محمد علیہ السلام کا لشکر بدعقیدہ لوگوں کا لشکر نہیں ہوتا, محمد علیہ السلام کا لشکر جنسی بے روی کا شکار لوگوں کا لشکر نہیں ہوتا. اور جس دن امت صحابہ کرام کے طرز عمل کے اوپر چلتے ہوئے محمد علیہ السلام کے حزب اور آپ کے لشکر کی شکل کو اختیار کر جائے گی انشاءاللہ بیت المقدس پنجا یہود سے آزاد ہو جائے گا اور القدس کے مناروں سے ایک مرتبہ پھر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن حضرات گرامی قدر ان آوازوں کو بلند کرنے کے لیے امت کی اجتماعیت کی ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے تمسک کی ضرورت ہے, سنت نبی شریف سے والہانہ وابستگی کی ضرورت ہے, اور جذبہ جہاد کو امت کے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ امت مسلمہ کے مجموعی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے حکام بالا کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہود کے خلاف راست اقدام کا اعلان کیا جائے اور فلسطینیوں کی غیر مشروط امداد کا اعلان کیا جائے. حضرات گرامی قدر آج جمعے کے خطبے کے بعد انشاءاللہ مرکز کے باہر علامتی طور کے اوپر تھوڑی سی وقت کے لیے ایک مظاہرے کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ غیر مشروط اظہار یکجہتی کیا جائے گا اور یہود کے خلاف نفرت کا اور یہود کے خلاف جو ہے راست اقدام کو کرنے کا الٹیمیٹم حکام وقت سے کرنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر کہ آپ یہود کے ساتھ برات کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, کیا مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کو کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر, دنیا کے نقشے کے اوپر سچا مذہب اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ اگر دین مانتا ہے فقط اسلام کو مانتا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ناکام اور نامراد ٹھہرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. حضرات گرامی قدر, لیکن بعض ناقبت اندیش گروہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی پر, اس کے دین کی دشمنی پر, پیغمبر آخر الزماں کی دشمنی پر اور فرشتوں کی دشمنی پر آمادہ و تیار رہے. یہود جو ہیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر نشان عبرت ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذلت کی ایک علامت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا یا حیل و حجت سے کام لیتے رہے, یہاں تلک کے تسلسل سے احکامات الہی کو آنے کے بعد گائے کو ذبح کرنے کے اوپر مجبور ہوئے حالانکہ وہ ایسا کرنے کے اوپر تیار نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہفتے کے دن کی تکریم کرنے کا, تعظیم کرنے کا حکم دیا, لیکن ان ظالموں نے کیا کیا, ہفتے کے دن شکار کو بھروکنا شروع کیا اور اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ کے اس بات کو ثابت کیا تاویل کس کو کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو ٹالنا کس چیز کا نام ہے. حضرات گرامی قدر, یہود جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن, حضرت جبرائیل کے دشمن, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, اہل اسلام کے دشمن ہیں اور ان کی عداوت کے اندر ہر حد کو عبور کر چکے ہیں. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حضرت رسول اللہ کے قلب اتھر پہ نادل فرما دیا تو اللہ نے اس بات کو بھی بتلا دیا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اوپر نادل ہونے والے قرآن کو یہود اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی ماؤں کے گھر پیدا ہونے والے, اپنے باپوں کے گھر پیدا ہونے والے بیٹوں کو بیٹا باپ پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس طرح یہود کو بھی پتا ہے حضور حق ہیں, حضور سچ ہیں, لیکن فقط عداوت کی وجہ سے, حسد و دشمنی کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہے مخالفت کے پرمادہ و تیار ہو چکے ہیں. حضرات گرامی قدر, یہود اس وقت عالمگیر چیلنج کی حیثیت سے مسلمانوں کو للکار رہا ہے, اپنی توپوں سے گولوں کو تاگ رہا ہے, اپنے میزائلوں سے مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑ رہا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس نے یہود کے لیے دروازوں کو کھولا جبکہ یہود کو ہر جگہ سے دھکے دیے جا رہے تھے. مائیگریشن کے بعد, ایک سکیم کے تحت پوری دنیا سے مائیگریٹ کرنے کے بعد, عددی اقلیت کو عددی اکثریت میں بدل کر اس زمین کے حقیقی وارثوں کے مقابلے کے اوپر اپنی سلطنت کا قیام کرنے والے یہ یہودی آج مسلمانوں کے مقابلے کے اوپر اس لیے کامیاب ہوئے کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا, انہوں نے تلوار کو اٹھا لیا. اللہ نے ہمیں یہ بات بتلائی تھی, وانزل الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس, ہم نے تمہارے لیے لوہے کو اتارا ہے جس کے اندر طاقت بھی ہے نفع بھی ہے, لیکن مسلمانوں نے لوہے کو چھوڑا, مسلمان بربت اور پیانوں کا سیر بن گیا. حضرت علامہ نے بڑے سسکتے ہوئے انداز میں الفاظ کہے, آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سناول, شمشیر و سناول, طاؤس و رباب آخر. حضرات گرامی قدر, قوموں کی تقدیر بربس سے نہیں بنتی, پیانوں سے نہیں بنتی, آلات موسیقی سے نہیں بنتی, قوموں کی تقدیر تو شمشیر سے بنتی ہے, تلوار سے بنتی ہے, تیر و کمان سے بنتی ہے. حضرات گرامی قدر, فنون جنگ کے اندر دلچسپی لینے والے یہ یہودی آج مسلمانوں کے مقابلے کے پر اس لیے ناسور بن گئے کہ مسلمان شراب کا رسیہ, مسلمان عورت کا رسیہ, مسلمان جنسی حائشات کا اسیر, مسلمان دنیا دار ہو گیا. جو نہ تھا خوب, جو نہ تھا خوب بددریج وہی خوب ہوا, جو نہ تھا خوب بددریج وہی خوب ہوا, اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. حضرات گرامی قدر, ہم دنیا دار بننے کی وجہ سے آج یہود کے مقابلے کے پر کمزور ہیں. حضرات گرامی قدر, اگر حقیقی معنوں کے اندر, ہم حقیقی معنوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کو اختیار کرنے والے ہوں, اور حضرت مولانا رفیع خان کے مطابق جو انہوں نے یثربی تہذیب کا نقشہ کھینچا ہے, ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا, ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا, یثربی تہذیب کتنی
इतनी दिलनशी और सादा है। रब्बे काबा की कसम है, यहूद हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारे हुक्मरानों के अंदर भी वाहन की बीमारी आ चुकी है। हुब्ब दुनिया और कराहियतुल मौत का शिकार ये हुक्मरान आज उम्मत के जज्बात की तर्जुमानी करने से कासिर नजर आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ज़रबते हैदरी का मुजारा होकर रहेगा, इंशाल्लाह फारूक का जाहो जलाल बाहर निकल कर रहेगा, इंशाल्लाह सलाहुद्दीन की तलवार मैदान में ललकार कर रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से यहूद का जनाजा उठ कर रहेगा और अलकुदस के मीनारों से हय्या अलसलाह हय्या अलफलाह की आवाजें बुलंद होकर रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज हम इजहार यकजहती के लिए और अपने जज्बात के इजहार के लिए पूरी तरह इंशाल्लाह मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं। हज़रात गिरामी की तरफ आने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। तमाम दोस्त इस हवाले से बाहर जरूर निकलिए ताकि हम मुकाम बाला को वावे किस्म का पैगाम दे सकें। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताई ज़िल कुरबा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़ी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाह।